कुछ भी करें हमसे कोई मतलब नहीं है। बट समझौता के रूप में क्या हुआ है कि आप लोग देखिए, ऑलरेडी मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है, फिर भी हम दिखाते हैं आप सभी को और इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसके बाद वो हमारे घर रहती हैं कि नहीं रहती, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन मेरे बेटे में मेरा हिस्सा है और इन क्राइटेरिया इनको पूरा करके हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो हम बताते हैं, आप लोग देखिए, सबसे पहले लिखा है मानती उर्फ मालती पत्नी विष्णु कुमार श्री दीपचंद, ये तो नाम है। नंबर एक है, यह दिनांक आज से दोनों पक्षों के बीच में आपस में जो गलत फहमी सोशल मीडिया के द्वारा हो गया था, वह आपस में सहमति समाप्त हो गया। मतलब कोई मीडिया का हो चाहे कोई भी, अगर किसी के साथ वीडियो बनाता है बिना तेरे परमिशन के, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णु राज और आज आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। और कल आप लोगों ने देखा कि समझौता हो गया है, तो समझौता किस बेस पे हुआ है, क्या हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। और समझौता का मूल कारण क्या था कि मेरा बेटा, ताकि ये हो कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, इसलिए दोस्तों झुकना पड़ा। और बात है नहीं, ये मालती कुछ भी करे हमसे कोई मतलब नहीं है। बट समझौता के रूप में क्या हुआ है कि आप लोग देखिए, ऑलरेडी मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है, फिर भी हम दिखाते हैं आप सभी को और इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसके बाद वो हमारे घर रहती हैं कि नहीं रहती, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन मेरे बेटे में मेरा हिस्सा है और इन क्राइटेरिया इनको पूरा करके हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो हम बताते हैं, आप लोग देखिए, सबसे पहले लिखा है मानती उर्फ मालती पत्नी विष्णु कुमार श्री दीपचंद, ये तो नाम है। नंबर एक है, यह दिनांक आज से दोनों पक्षों के बीच में आपस में जो गलत फहमी सोशल मीडिया के द्वारा हो गया था, वह आपस में सहमति समाप्त हो गया। मतलब ओ ये लिखा है। दूसरा यह कि प्रथम पक्ष बतौर पत्नी द्वितीय पक्ष के साथ उसके घर पर रहेगी, मतलब वे घर पे रह सकती हैं। और तीसरा यह कि द्वितीय पक्ष अपनी पत्नी प्रथम के पक्ष प्रेम और सम्मान से रहेंगे, एक दूसरे के साथ मारपीट और झगड़ा नहीं करेंगे। मतलब उनको ये लगता है झगड़ा करते हैं झगड़ा नहीं होगा, जब उनके साथ नहीं रहेंगे तो झगड़ा होगा नहीं। उसके बाद फिर यह कि प्रथम पक्ष आज के तिथि से YouTube अथवा सोशल मीडिया पर स्वयं के चैनल पर अकेले अथवा द्वितीय पक्ष के साथ काम करेगी, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ काम नहीं करेगी और न ही प्रथम पक्ष स्वयं से मरने की धमकी द्वितीय पक्ष को देगी। मतलब ना ही ये काम करेंगी और बिना मेरे मर्जी से किसी के साथ काम नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती, कि जो हमारी मर्जी है कि कोई तीसरा पर्सन बिना मेरे के इंटरफेयर नहीं कर सकता, यदि ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भैया पहले कि अगर तीसरा भी हमारे बिगर पूछे मालती के पास जाता है तो वो उसके ऊपर भैया एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद पांचवा लिखा गया है, यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के अलावा किसी भी अन्य कलाकार के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मतलब कि हम किसी के साथ भी काम करें बट मालती के साथ हम नहीं काम करेंगे। मालती सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे अपने चैनल पे काम कर सकती है, वो कहीं से भी रह के वो आजाद है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, तीसरे के नंबर जैसे वो अपने रिलेशन में बात कर सकती है, हमसे बात कर सकती है, हमारे परिवार से। और यदि तीसरे जो भी जैसे सब्सक्राइबर है या किसी से भी मिलना हो कॉल पे फोन पे बिना मेरे मर्जी के यदि मिलती है तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और यदि जो हमारे गैर मौजूदगी में संपर्क उनसे करने की कोशिश करता है उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये लिखा है, कृपया करके कोई भी भाई लोगों, तो अगर किसी को भी मिलना होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मालती जो है एक हाउसवाइफ की तरह अपने घर में रहेंगी, रहना रहेगा, नहीं तो अपने मायके में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ज़्यादा वो होता है तो डिवोर्स फाइल हुआ है उस पर उनको साइन करना पड़ेगा, उनको डिवोर्स देना पड़ेगा। यदि तरीके से वो नहीं रहती है तो उनको डिवोर्स देना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने चाहे जा रहे हैं, हमसे नहीं मतलब है, वो कितना कमाती है कितना नहीं, हमके उनके पैसे से लेना देना नहीं भैया। और उसके बाद दोनों का साइन लगा है और जो भी कुछ हमें होता है इसमें गवाह के रूप में चार लोग हैं,
सबसे पहले हमारे ससुर जी दीपचंद, फिर सतेंद्र कुमार बोलू जी, फिर श्रवण, फिर शिव कुमार मेरे साले, चारों लोग उसमें रहेंगे। और यहाँ पे दोनों लोग का जो है साइन हो गया है, और जो भी है जस साहब का साइन हुआ, सबका साइन हुआ है। इस हिसाब से दोस्तों, तो मैं आज़ाद हूँ किसी के साथ काम करने के लिए। तो आज से दोस्तों हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी है मेरा, क्योंकि देरी इसी का था, नहीं तो कल के दिन आके बोलती तुम उसके साथ अथेयर है तुम्हारा, ए है ओ है, इसलिए इस कागज को बनवाना जरूरी था। और आज समय किसी भी कलाकार के साथ सोशल मीडिया पे काम कर सकता हूँ, तो मैं खुद से आज़ाद हूँ, उस चंबुल से आज़ाद हूँ जहाँ पे हमको दबाया जा रहा था, काम भी नहीं किया जा रहा था। तो अगर मेरी मर्जी है तो उनको हम काम करा सकते हैं, नहीं तो तीसरे के साथ मीरा मेरे मर्जी के यदि काम करती हैं तो भैया उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और जज साहब का साइन भी हुआ है, जो लिखा गया है ये होगा और आगे की जो प्रक्रिया हो तो कर दी गई है। बट यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, किसी को भी मतलब हमसे मालती जी देती, मालती एक जो ब्रांड लोग कहते थे, और ब्रांड सिर्फ एक हाउस वाइफ में ही रहेंगी, अपने घर रहेंगी, तीसरे से कोई मतलब नहीं है। तीसरा कोई मीडिया का हो चाहे कोई भी, अगर उसी के साथ वीडियो बनाता है बिना परमिशन के, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद।